क्वेश्चन नंबर फोर बी, ओके। तो क्वेश्चन इज माइनुएंट इज इक्वल टू 2,71,000, 2,71,62,523, ओके। एंड डिफरेंस गिवन हेयर, डिफरेंस इज 3,12,856, ओके। तो देन वी विल फाइंड सब्ट्रैक्ट, ओके। बिफोर आई एम टेलिंग यू कि जब वेन वी फाइंड आउट माइनुएंट ओनली, कि जब हमें माइनुएंट फाइंड आउट करना होता है एंड डिफरेंस सब्ट्रैक्ट दिया हुआ होता है, तो वी विल फाइंड द, वी विल एड सब्ट्रैक्ट प्लस डिफरेंस, ओके। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ओके। बट वी विल फाइंड द सब्ट्रैक्ट, तो देन वी विल सब्ट्रैक्ट माइनुएंट एंड डिफरेंस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट से याद रखना है कि हमें माइनुएंट और डिफरेंस को माइनस कराना है। देखो इसमें भी दो मेथड होगा, या तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो मेथड फर्स्ट, ओके, कि माइनुएंट क्या दे रखा है, 2,71,62,525, ओके। अब डिफरेंस को हम माइनस करा देंगे, 3,12,856, ओके। देन माइनस, ओके, माइनस हम करेंगे, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो वी कैन बोरो 15 फ्रॉम 2 रिप्लेस बाय 1, 15 माइनस 6 9, ओके। 1 माइनस 5 कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, सो देन अगेन वी विल बोरो फ्रॉम 5, तो 5 रिप्लेस बाय 4 एंड 1 रिप्लेस बाय 11, 11 माइनस 5 6, 4 माइनस 8 कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, देन अगेन बोरो 2 रिप्लेस बाय 1 एंड 4 रिप्लेस बाय 14, 14 माइनस 8 6, देन 1 माइनस 2 अगेन नॉट सब्ट्रैक्टेड, सो देन अगेन बोरो फ्रॉम 6, 6 रिप्लेस बाय 5 एंड 1 रिप्लेस बाय 11, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 1 4 वी कैन सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 3 अगेन वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, सो देन वी कैन बोरो फ्रॉम 7, 7 रिप्लेस बाय 6, अब 7 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 6 से, ठीक है। तो और 1 की जगह क्या हो जाएगा, 11, 11 माइनस 3 8, ओके, एंड 6 एज इट इज, और हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 0, 2 माइनस 0 2, ओके। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, सब्ट्रैक्ट, ओके, सब्ट्रैक्ट। और सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, सेकंड मेथड कुछ भी नहीं करना है आपको, सब्ट्रैक्ट वाली जगह को हम ब्लैंक कर देंगे, मेथड सेकंड, ओके। तो हमें माइनुएंट दे रखा है 2,71,62,525, ओके। ये तो हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट माइनुएंट, डिफरेंस हमारे को दिया हुआ है, डिफरेंस आपका क्या था, 3,12,000, तो आप डिफरेंस को कहाँ लिख लोगे, नीचे, और ये वाली जो जगह होती है वो सब्ट्रैक्ट की होती है, तो इसको हमने ब्लैंक कर दिया, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया। तो 3,12,000, ओके, 856। तो मैंने आपको ये बोला था कि जब हमें सब्ट्रैक्ट फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आप देखिए 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो अगेन हम बोरो करेंगे 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 15 में से 6 जाएंगे 9, ओके, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो 11 और यहाँ पे 4, 11 माइनस 5 6, 4 में से 8 नहीं हो सकता, अगेन बोरो 2 रिप्लेस बाय 1, 14 माइनस 8 6, देन 1, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 1 4, 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो करेंगे 11 और 7 की जगह क्या हो जाएगा 6, 11 माइनस 3 8,
और यहाँ पे सिक्स एज इट इज आ जाएगा, हम यहाँ पे जीरो मान लेंगे और यहाँ पे भी जीरो, तो सिक्स माइनस जीरो सिक्स एंड टू माइनस जीरो टू। तो देखिए आंसर विल बी सेम बोथ कंडीशन, तो सब्ट्रैक्ट, ओके। तो इसी तरीके से आपको इसको करवाना है, ठीक है। अब हमने यदि सब्ट्रैक्ट फाइंड आउट कर लिया तो ये कह रहा है कि आपको आंसर भी चेक करना है, ठीक है। तो आंसर आप कैसे चेक करेंगे, इस फर्स्ट मेथड के केस में जब आपके पास सब्ट्रैक्ट आ चुका है, देखिए फर्स्ट मेथड के केस में आप क्या करेंगे, देखो इधर ही मैं आंसर चेक करवा रही हूं, चेक द आंसर, ठीक है, ओके। अब ये देखिए डिफरेंस हमें निकालना है, सब्ट्रैक्ट हमें मिल गया, माइनस एंड क्या दे रखा है, 2,71,62,525, ओके, एंड सब्ट्रैक्ट इज 2,68,49,669, ओके, दिस इज अ सब्ट्रैक्ट एंड देन माइनस, ओके, हम इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोरो करेंगे 15 और इधर 1, 15 माइनस 9, 6, ओके। अब ये देखिए 1, 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो, इधर 4, 11 माइनस 6, 5, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो, 14 माइनस 6, 8, ओके, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो, 6 की जगह 5 और इधर 11, 11 माइनस 9, 2, 5 माइनस 4, 1, अब 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो, 11 और इधर 6, 11 माइनस 8, 3, 6 माइनस 6, 0, 2 माइनस 2, 0, ओके। तब आप देखेंगे, देखो डिफरेंस सेम आ गया, ठीक है, 3,12,856 सेम है, तो ये हमारा प्रोसेस है चेक द आंसर का, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर फ्रॉम विच 28,84,321 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट 11,23,123। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि 28,84,321 में से यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें 11,23,123 नंबर मिले, मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको कि हमें 28,84,321 में से सब्ट्रैक्ट करने पर 11,23,123 नंबर मिलेगा। तो देखो डिफरेंस हमारे को दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, डिफरेंस आपको दिया हुआ है और आपको माइनोएंड भी दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, सब्ट्रैक्ट निकालना है, ओके। तो देखिए माइनोएंड क्या दे रखा है, माइनोएंड 28,84,321, ओके, ये तो आपका क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये माइनोएंड नहीं है, ये आपका सब्ट्रैक्ट है, ओके, 28,84,321 इज अ सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर माइनस करेंगे, ये तो क्या हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ओके, डिफरेंस इज 11,23,000, ओके, 123। तो यू नो वेरी वेल कि व्हाट कैन आई डू, कि गिवन हेयर सब्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस, ओके, तो सब्ट्रैक्ट तो डिफरेंस दिया हुआ होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनोएंड फाइंड आउट करना है, तो माइनोएंड फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, तो हम प्लस करेंगे इसको 28,84,000, आप दोनों मेथड से कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, और 11,23,123,
इसको हम प्लस कर देंगे ओके। तो 3 + 1 = 4, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7, 8 + 2 = 10 + 0 कैरी ऑफ 1, 8 + 1 = 9 + 10 = 0 कैरी ऑफ 1, 2 + 1 = 3 = 4 ओके। तो नंबर इज 40,07,444। बट हमें ये पता कैसे चलेगा कि दिस आंसर इज राइट या रॉन्ग ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे आंसर को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा बन जाएगा माइनू एंड, क्योंकि सबसे ऊपर चला जाएगा 40,07,444 ओके। तो इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट की वैल्यू को, तो 28,84,321। अगर यदि हमारा आंसर डिफरेंस जो है वो यदि सही आता है, इस डिफरेंस का आंसर ये आपका सही आएगा, तो इट मीन्स आपका कुछ आंसर सही है। 4 - 1 = 3, 4 - 2 = 2, 4 - 3 = 1, 7 - 4 = 3। अब 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो वी कैन बोरो फ्रॉम 0 नेक्स्ट डिजिट, तो नेक्स्ट डिजिट इज 0, तो ये भी आपको बोरो नहीं दे सकता है, अगेन नेक्स्ट डिजिट ओके। तो 4 replaced by 3 एंड 0 replaced by 10, बट 0 दोबारा से बोरो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, 10 - 8 = 2, 9 - 8 = 1, 3 - 2 = 1। तब आप देखिए इट विल बी सेम आंसर ओके, 11,23,123 डिफरेंस विल बी सेम ओके। अगर यदि ये दोनों आपका सेम आ जाता है तो इट मीन्स आपका आंसर सही है। अगर यदि ये डिफरेंस ही आपका डिफरेंट आता है तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, इन एन इलेक्शन पार्टी ए got 28,62,199 votes ठीक है। एक इलेक्शन पार्टी में, पार्टी ए नाम की है, जैसे यहाँ पे आपने भी सुना होगा अलग अलग पार्टीज होती हैं, तो यहाँ पे पार्टी का नाम ए दे रखा है कि ए पार्टी ने इलेक्शन में 28,62,199 votes लिए हैं ठीक है, और पार्टी बी को 27,28,164 votes मिले हैं। तो हु गेट मोर वोट, किसने सबसे ज्यादा वोट्स लिए हैं ठीक है। दो पार्टी के नाम दिए गए, पार्टी ए एंड पार्टी बी ठीक है। तो दोनों में से किसने सबसे ज्यादा वोट लिए और कितने ज्यादा लिए ठीक है, दो क्वेश्चंस पूछे गए इसके अंदर, तो हमें दोनों क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर निकालना है। हु गेट द मोर वोट, इसके लिए तो आपको सिंपल पता चल रहा है कि आपने नंबर पढ़ा है, तो इसी से पता चल रहा है कि किसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं ठीक है। तो बी क्वेश्चन, पार्टी ए गॉट वोट 28,62,199 ओके, then party B got vote okay, party B 27,28,164 okay, ये number आपको दिया। अब देखो दोनों को read करने से पता चल रहा है कि 28 lakh ज्यादा है या 27 lakh ठीक है, तो 28 lakh ज्यादा है, तो इट मीन्स पार्टी ए गॉट मोर वोट ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमारा निकल गया कि किसने ज्यादा वोट लिए ठीक है, तो पार्टी ए ने सबसे ज्यादा वोट लिए ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने ज्यादा लिए, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस में माइनस ठीक है, तो 28,62,199 माइनस 27,28,164 ओके। 9 - 4 = 5, 9 - 6 = 3 ओके, 1 - 1 = 0,
अब 2 - 8 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, देन बोरो फ्रॉम नेक्स्ट डिजिट 6 रिप्लेस बाय 5 एंड 2 रिप्लेस बाय 12. 12 - 8 - 4, 5 - 2 - 3, 8 - 7 - 1, 2 - 2 - 0. So how many difference the votes? 1,34,035. ठीक है, इतने वोट के डिफरेंस से पार्टी ए को इतने ज्यादा वोट मिले हैं. ठीक है, कितने ज्यादा वोट मिले? 1,34,035. ओके,